हेलो गाइस, फाइनली कैट का फॉर्म है स्टार्टेड टुडे। तो आज आप कैट का फॉर्म भर सकते हो। मैंने अपना फॉर्म भर रहा हूँ, मैं साथ साथ में आई विल बी मेकिंग अ फ्यू वीडियोस टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड फिल द फॉर्म। और कोई फॉर्म भरने में कोई जल्दी मत मचाओ। यू कैन फिल द फॉर्म एनी टाइम, देर इज नो लिंक बिटवीन विच स्लॉट यू विल गेट या विच सेंटर विल गेट। क्योंकि ना काफी जगह लोग अफवाह फैला देते हैं, जल्दी जल्दी फॉर्म भरो क्योंकि तुम्हें सेंटर ढंग का नहीं मिलेगा या स्लॉट लेट मिलेगा या स्लॉट जल्दी का मिलेगा। ऐसा कोई लिंक नहीं है। They have confirmed every year that CAT form is irrespective of your slot. When you fill the form, timing is irrespective of your slot, irrespective of your center. अब तो लेके चलो 20% लोगों को wrong center मिलने वाला है। वैसे भी हर साल होता है ये, ठीक है। नागपुर वाले को दिल्ली भेजेंगे, दिल्ली वाले को बेंगलोर भेजेंगे, ये हर साल होता है। पर ये वैसे भी होगा, उससे लिंक नहीं है। प्रॉब्लम बस ये है कि जल्दी के चक्कर में आके यू माइट एंड अप फिलिंग द रॉन्ग एंट्रीज। वैसे इस बार को जो कैट का फॉर्म आया, दे आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। दे आर मेकिंग यू चेक योर डिटेल्स, नेम, एवरीथिंग ट्वाइस बिफोर यू सबमिट द फॉर्म, सो विच इज वन थिंग इज गुड। क्योंकि दीज आर द मेन आइडेंटिटीज यू टू टेक केयर ऑफ। साइट उनका 2 बार क्रैश हुआ मेरे सामने, सो व्हाइल अपलोडिंग द फोटो द साइट गॉट क्रैश ट्वाइस फॉर मी, सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट बिकॉज फिल द फुल फॉर्म अगेन। तो मैंने फिर क्या किया, पहले अपनी फोटो अपलोड कर दी, ठीक है, बाद में अपना नाम नूम सब कुछ डाला। तो प्लीज आप टेक केयर करो ये चीज, तो प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट। कोई जल्दबाजी मत मचाओ, कहीं जेंडर का तुमने गलती से मेल का फीमेल डाल दिया, बाद में तुम चेंज नहीं कर सकते हो ये, ठीक है। यू हैव टू फिल द फॉर्म अगेन, पुट अनदर फोन नंबर। तो बेस्ट पार्ट क्या है कि पेमेंट एंड में है, यू टू पे इन द एंड, यू डोंट नीड टू पे स्टार्टिंग में। लाइक कुछ एग्जाम में पहले पेमेंट होता है फिर यू फिल द फॉर्म, यहाँ पे ऐसा नहीं है, पेमेंट एंड में करना है। तो कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ हो गया, रिव्यू कर लो, यू कैन फिल द फॉर्म अगेन। बट इन दैट केस आपका वो फोन नंबर, ईमेल आईडी फिर अलग डालना पड़ेगा, डैड का, इसका, तो हर जगह वो नंबर ट्रैक करना पड़ेगा। तो एक ही बार ढंग से भरो, धीरे से भरो, कोई जल्दी नहीं है। नंबर वन। नंबर टू पॉइंट विच आई टू मेक होम इज एक टारगेट लिख के जो, ट्रस्ट मी द मूवमेंट टू फिल द कैट फॉर्म ना फटनी चालू हो जाएगी। ट्रस्ट मी, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट जब तक डेट नहीं आई थी। जैसे ही डेट आ गया अब लगता है कि हो ही नहीं पाएगा, ये होता है बहुत लोगों के साथ, ऐसा होता है। तो वो चीज ना हो तो वॉट यू हैव टू डू इज के आप एक टारगेट लेके चलो। अगर अब तक मॉक दिया ही नहीं है तो 5 मॉक का टारगेट लिख के चलो। यू आर नॉट गोइंग टू फिल द कैट फॉर्म टिल यू गिव 5 मॉक्स, ओके, 5 मॉक्स। अगर आप ऑलरेडी मॉक दे रहे हो और ऑलरेडी आपका 20-30 नंबर आ रहे हैं तो नेक्स्ट टारगेट शुड बी 50 मार्क्स। 10-15 नंबर का एक टारगेट लेके चलो। मेक इट अ प्राइज दैट यू आर गेटिंग टू फिल द फॉर्म एज अ रिवॉर्ड, नॉट एज अ पनिशमेंट। बिकॉज अभी लगता है कि अरे कंपल्सरी है, करना पड़ेगा, नहीं, इट्स अ रिवॉर्ड, ट्रस्ट मी। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, यू कैन फिल द फॉर्म, बट जल्दबाजी मत मचाओ, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं। हमारे पास 40 दिन का टाइम है, उसके बाद 10 दिन और एक्सटेंड होगा फॉर्म, हर साल होता है, और 10 दिन एक्सटेंड होगा फॉर्म भरने को। तो वी हैव इनफ टाइम टू फिल द कैट फॉर्म, सो चिल, आराम से भरो, जल्दबाजी मत मचाओ। ऑल द बेस्ट। दीज आर द फर्स्ट एंड द कंपल्सरी डिटेल्स विच यू हैव टू फिल, ओके। सो योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, कंट्री कोड, मोबाइल नंबर, फाइन। इसके बेसिस पे ये आपको दोबारा एडिट करने को भी देगा, वो आपको कंफर्म करने को भी बोलेगा, 2 बार कंफर्म करके ये आपका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया, ठीक है। तो गो टू द लिंक जो मैंने आपको यहाँ पे दिया है, यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, वहां जाके आपको ये सबमिट करना है, जनरेट द ओटीपी। आपको 2 OTP आएंगे, 1 OTP विल बी फॉर मोबाइल नंबर, 1 OTP इज फॉर द ईमेल आईडी। 2 OTP आपको कंफर्म करना है इमीडिएटली, देन यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन होने पे आपके ईमेल आईडी पे आपको पासवर्ड एंड यूजर आईडी आ चुका है, प्लीज सेव करके रख लो। मोस्टली अगर आप क्रोम में भर रहे हो फॉर्म, लैपटॉप पे भर रहे हो, तो आपको सेव का ऑप्शन आता है, वो सेव कर देना प्लीज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नोट करके भी रख लो क्योंकि ईमेल कभी कभी उड़ जाती है, ठीक है। ये हो गया, देन अगेन आई कैन गो बैक टू साइट एंड रजिस्टर्ड लॉगिन आईडी अगेन। अभी हमें आज के बाद ये लॉगिन, एक बार तुम्हारा ये कैंडिडेट लॉगिन हो गया तो इसका काम खत्म हो गया। आई हैव टू लॉगिन नाउ विद योर ईमेल आईडी में आपको फोन नंबर है। तो पहले पेज में आपको पर्सनल डिटेल एंड फोटो अपलोड करने को बोलता है। सो माई एडवाइस इज पहले अपनी फोटो अपलोड कर लो, क्योंकि मेरा 2 बार ये साइट क्रैश हो चुका है। देयर लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू यू अबाउट द फोटोज, तो वो एक बार देख के रखना और एक ही बार कर लो ये। एक अपनी फोटो और एक साइन एक बार अच्छे से बना लो एज पर द फॉर्मेट, बिकॉज हर फॉर्म में कैट, जैट, स्नैप, सीमैट, सीईटी, वही फोटो वही साइन बार बार अपलोड करने को मिलेगा हमें, ठीक है। तो वो एक बार एक फोटो खींच के आप रख लो, और वही वाली फोटो जो आप अपलोड कर रहे हो उसका आपको हार्ड कॉपी भी लेना है, क्योंकि एडमिट कार्ड पे फोटो चिपकानी पड़ेगी, ठीक है।
सेम ना भी हो तो चलता है, बट जब कर सकते हो तो आपको फोटो खींच के एक अपलोड करनी है, साइज छोटा करके कंप्रेस करके, प्लीज चेक आउट द इंस्ट्रक्शन बिफोर यू डू दैट। एंड उसके साथ में आपको हार्ड कॉपी भी लेकर रखो उसका, वो आता ना 100 रुपए की 16 फुट में 24 फुट में, तो 16 फोटोज फॉर वो वाली फोटो प्लीज आप करवा के रख लो अपने पास, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सो दीज आर ऑल द इंस्ट्रक्शन यू हैव टू टेक केयर ऑफ। तो फोटो अपलोड करते टाइम अपलोड द रीसेंट फोटोग्राफ, शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स ओल्ड, फाइन। फोटो शुड बी क्लियर एंड कंटिन्यूस टोन क्वालिटी, वो ठीक है, नॉर्मल फोटो आती है वाइट ऑफ वाइट बैकग्राउंड, तो वो मैं तो नॉर्मल खींची फोटो यार अपनी, ठीक है। डायमेंशन द फोटो शुड बी 1200x1200 पिक्सल, ये आप एडिट कर सकते हो, जाके गूगल पे डालो एडिट फोटो, ठीक है। साइज एडिट कर सकते हो, जेपेग में सेव एज कर सकते हो, सारी ऑप्शन गूगल पे अवेलेबल है, आप फोटो अपलोड करके आपको चेंज कर सकते हो। व्हेन यू क्लिक द फोटो फ्रॉम द कैमरा तो फोटो की क्वालिटी बहुत हाई आती है, तो उसको हम फिर गूगल पे डाल के रिड्यूस रीफ्रेम ये सब हम कर सकते हैं। प्लीज अपलोड द सेम फोटो, ये मैं आपको बोल रहा था, प्लीज अपलोड द सेम फोटोग्राफ दैट विल यू विल अफिक्स ऑन द एडमिट कार्ड। तो आपको क्या करना है, आपको फोटो के दो कॉपी निकालनी है, एक तो सॉफ्ट कॉपी विच वी आर गोइंग टू यूज फॉर ऑल द फॉर्म वी आर गोइंग टू फिल नाउ, नंबर टू वी आर आल्सो गोइंग टू टेक अ हार्ड कॉपी वो 16 फोटो 100 रुपए वाला, क्योंकि हर जगह हमें अपनी फोटो चिपकानी भी है साथ में। इंश्योर द फोटो इज स्कैन प्रॉपरली यूजिंग अ स्कैनर ओनली, दे डू नॉट यूज अ मोबाइल फोन टू स्कैन योर फोटो, ठीक है। वो बोलते हैं कि मोबाइल फोन को स्कैन यूज मत करो, बट आजकल वो यूज होता है यार। तो बिंदास अपनी वाइट बैकग्राउंड ऑफ वाइट बैकग्राउंड पे फोटो खींचो, नॉर्मल फोटो खींचो, उसका रेजोल्यूशन ऊपर नीचे कर दो, बिकॉज एनी वे जो एडमिट कार्ड पे फोटो आएगी उसकी क्वालिटी बहुत लो होने वाली है, तो डजेंट मैटर, ठीक है। ये क्या बोल रहा आपको कि डोंट यूज मोबाइल फोन टू अपलोड द फोटो इज बिकॉज ऑफ फैक्ट कि मोबाइल फोन पे जो लोग क्या करते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो लिया उसको रख के उसकी फोटो खींचा, तो उसकी जो तुम फोटो खींचोगे वो क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी ना, ऑब्वियस सी बात है। जो तुम नॉर्मली फोटो खींच रहे हो, आजकल जमाना उल्टा हो गया भाई, आजकल हम मोबाइल से फोटो खींचते हैं उसका हम फिर प्रिंट आउट निकालते हैं, प्रिंट आउट लेके मोबाइल से स्कैन नहीं करता कोई आजकल, एनीवे होता है। नेक्स्ट पॉइंट टू बी टेकन केयर ऑफ इज योर 10th 12th के मार्क्स। यहाँ पे एक चीज करना, ये मैं काफी देर पर यहाँ पे अटका रहा था कि मैक्सिमम मार्क्स इज योर टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स ऑब्टेंड इज हाउ मच यू ऑब्टेंड। हमें स्कूल में क्या था, टोटल मार्क्स वाज टोटल, तो मेरे सपोज 600 में से 500 आया है तो 600 पहले आएगा 500 बाद में आएगा। मैं क्या कर रहा था, मैं 500 यहाँ पे डाल रहा था मैक्सिमम मार्क्स एंड टोटल मार्क्स में 600 डाल रहा था, ठीक है, तो जो गड़बड़ हो रहा था, इसलिए मैक्सिमम मार्क्स इज टोटल मार्क्स। इधर से हमने कैट का तो डी आई कोर्स यहीं पर डाल दिया, टोटल मार्क्स ऑब्टेंड इज एक्चुअली हाउ मच यू ऑब्टेंड। ओके यहाँ पे 600 में आएगा 500 आएगा, इसको टेक केयर करना, परसेंटेज आप ध्यान से डालना, मंथ मंथ कुछ भी डालो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास एडमिट वो पड़ा हुआ है आपकी मार्कशीट उस पर लिखा होगा विविच ईयर यू पास आउट, ईयर ऑफ कंप्लीशन इज द ईयर यू गेट योर डिग्री, ओके, ना कि एग्जाम कब खत्म हुआ। बट ये कोई फर्क नहीं पड़ता, मई जून जुलाई कोई भी मंथ डालो, सेम फॉर योर 10th 12th, सेम फॉर योर ग्रेजुएशन, सेम फॉर योर 12th। ओके ग्रेजुएशन के टाइम पे एक प्रॉब्लम जो आती है, आई थिंक है मेरा, हाँ यार, ग्रेजुएशन का जब आप फॉर्म भरोगे, अगर आप फाइनल में हो, ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा रहेगा, आर यू इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर्स और हैव यू कंप्लीटेड द डिग्री। अगर आप फाइनल ईयर में हो, अगर आप अभी तक मार्कशीट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, तो यू हैव टू पुट येस आई मीन फाइनल ईयर। अगर आप पास आउट हो चुके हो, ठीक है, देन यू हैव टू कंप्लीटेड, मतलब कंप्लीटेड। अगर आपका केटी भी आया है, बैकलॉग आया है, तो भी आपको फाइनल ईयर ही डालना है, जब तक कंप्लीट नहीं होता तुम फाइनल ईयर ही डालना है। कंप्लीट हो चुका है, मार्कशीट आ गई है, डिग्री नहीं आई, चलेगा, देन यू आर कंप्लीटेड। Those who are passed will put passed. Those who are in final year, those who are in college, those who have got a backlog, अगर अब तक तुम्हारा complete नहीं हुआ है तो आप final year ही डालोगे, okay? जो लोग job करते हैं, in our case, are you in final year? No. Have you complete degree? Yes. Then they will tell you to put your form. उसके बाद आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, या आपने अगर बीकॉम एलएलबी कुछ कोर्स किया, वहाँ टिक मार सकते हो। काफी जगह पे आपका कोर्सेज अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, तो आप अदर्स करके डाल सकते हो। अदरवाइज बीई का कोर्स अवेलेबल है, मैंने बीई किया है, तो बीई अलग है, बीटेक अलग है, तो मैंने बीई किया तो बीई का टिक मार्क है, बीकॉम है, बीबीए, सब ऑप्शन है वहाँ पे, ठीक है। बीए में भी दस टाइप का ऑप्शन है, वंस यू स्टार्ट फ्रॉम द फॉर्म बहुत आपको मिलेगा, नहीं मिला तो अदर्स करके डाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। इवन वर्कएक्स में भी अगर आपका वर्कएक्स नहीं है तो आप अदर करके डाल सकते हो। ओके
हाय गाइस, कैट फॉर्म में वर्क एक्स का ध्यान से डिटेल भरना, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट, देर आर मार्क्स फॉर द वर्क एक्सपीरियंस एंड ट्रस्ट मी, मार्क्स मिलते हैं. स्पेशली आई एम बैंगलोर इज गिविंग अ वेरी हाई वेटेज फॉर द वर्क एक्स. सो नंबर वन पॉइंट टू बी टेकन केयर ऑफ, योर वर्क एक्स हैव टू बी एज पर जुलाई 31st. आप काम करते जा रहे हो ऑब्वियसली, आप अपना GDPI रहेगा मोस्ट प्रॉब्ली फेब या मार्च 2025 में, तब का वर्क एक्स अलग डालना पड़ेगा. जब कैट का फॉर्म जब तुम आईएम का इंटरव्यू देने जाओगे, देन अगेन वी हैव टू फिल दैट, वो बात की बात है. अभी के लिए दे आर आस्किंग यू टू फिल द वर्क एक्स ओनली टिल जुलाई 31st. तो प्लीज काउंट द नंबर ऑफ मंथ एंड ओनली फिल द वर्क एक्स टिल जुलाई 31st. ओके, नंबर वन पॉइंट. नंबर टू, ओनली फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन मस्ट बी एंटर्ड. तो अगर आपने कॉलेज के साथ साथ जॉब किया था वो काउंट नहीं होगा. अनफॉर्चुनेटली अगर आपने कॉलेज में अपनी कंपनी खोल दी थी, ठीक है, स्टीव जॉब फॉर एग्जाम्पल, जिसने कॉलेज ड्रॉप आउट लेके अपना कंपनी खोला, उनका भी वर्क एक्स काउंट नहीं करते लोग. ओनली फुल टाइम वर्क एक्स आफ्टर ग्रेजुएशन इज टू बी एंटर्ड. वो हम इंटर्नशिप में दिखाएंगे या हम एंटरप्रेन्योरशिप स्टेंट में दिखाएंगे, वो हम इंटरव्यू में दिखाएंगे. उसके में एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे, बट वो बात की बात है, वो इंटरव्यू के टाइम देखा जाएगा. अभी के लिए अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो मार्क्स असाइन फॉर दैट, ठीक है, सैडली. नंबर थ्री पॉइंट, पार्ट टाइम वर्क एक्स, प्रोजेक्ट वर्क, इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप, प्री ग्रेजुएशन वर्क एक्सपीरियंस शुड नॉट बी एंटर्ड एंड विल नॉट बी कंसिडर्ड वर्क एक्स. अब पंगा पड़ता है स्पेशली सीए लोग को, क्योंकि सीए लोग का जो इंटर्नशिप होता है, आर्टिकलशिप होता है, दैट्स अ प्रॉपर वर्क एक्सपीरियंस, बट यहाँ पे वो काउंट नहीं कर रहे. तो आप क्या बात कर सकते हो? सी एनीवे, आप मोस्ट ऑफ यू हैव क्विट सीए एंड दैट्स व्हाई कम टू एमबीए. काफी लोग ऐसा करते हैं. तो आप क्या कर सकते हो, जहां से आपने अपना आर्टिकलशिप किया है या इंटर्नशिप किया है, वहां पे जाके उनसे बात करो कि मुझे इंटर्नशिप या आर्टिकलशिप सर्टिफिकेट की जगह मुझे वर्क एक्स का लेटर दे दो. जस्ट एक्सचेंज द वर्ड आर्टिकलशिप विद वर्क एक्सपीरियंस, देन आई कैन पुट दैट एज अ वर्क एक्सपीरियंस. ओके, ये आप फेक नहीं कर रहे हो. आर्टिकलशिप इज अ वर्ड रिक्वायर्ड फ्रॉम द सीए पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे ऐसा नहीं है. या अगर आप कोई फ्रेंड के साथ काम कर रहे हो, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, उनको आप बोल सकते हो कि फुल टाइम दिखा दो ऑफिशियली ऑन पेपर, तभी उसका फायदा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है. प्लीज एंटर द नंबर फोर इंस्ट्रक्शन, प्लीज एंटर द एग्जैक्ट डेट यू स्टार्टेड वर्किंग इन द इंडस्ट्री एंड डेट यू फाइनली एग्जिटेड द पर्टिकुलर इंडस्ट्री. मोर ओवर प्लीज मेंशन द नंबर ऑफ डेज यू वर टेंपरेरी एग्जिटेड द पर्टिकुलर इंडस्ट्री इन द ब्रेक इन द एक्सपीरियंस बॉक्स. तो जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हो उसका स्टार्ट डेट, एंड डेट, अगर आपने बीच में ब्रेक लिया था, और कितने दिन का एक्सपीरियंस है, वो आपको पूरा डिटेल में डालना है, ठीक है. तो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू टू टेक केयर ऑफ. सो दोज आर इन कॉलेज, डोंट वरी अबाउट दैट, आपको ये फॉर्म भरने का जरूरत नहीं है. तो मैंने भी ब्लैंक आगे जाके देखा, वो आगे जा रहा है, ऐसा नहीं कि यू हैव टू सबमिट, ये खाली भी हम छोड़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है. तो प्लीज आप अपना अगर वर्क एक्स है तो प्लीज डू मेंशन द वर्क एक्स. अगर आर्टिकल शिप है, ठीक है, तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो. या बट जो अपने कॉलेज के टाइम पे किया था, कॉलेज के साथ काफी लोग जॉब करते हैं, उसका वर्क एक्स काउंट नहीं होगा. बट हम इंटरव्यू में विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल, वी विल गेट द ब्राउनी पॉइंट्स इन द इंटरव्यू, वो मैं संभाल लूंगा. तो मुझे बस कॉल ला के दो भाई, कन्वर्ट करने का प्रॉमिस मेरा है. ऑलराइट, ऑल द बेस्ट. हेलो, हाय गाइस, यार मैं तो सर पकड़ ले यार, कैट के फॉर्म में इतने कोर्सेज है यार, इतने कोर्सेज है. मैं तो भाई MBA करने निकला था इधर तो MBA नॉर्मल MBA में डिजिटल बिजनेस एनालिटिक्स, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर, PhD, ऐसे ऐसे नाम है जो मैंने कभी नहीं सुने यार. MDSM, MSDSM, डॉक्टरल प्रोग्राम तो ठीक है, चलो माना डॉक्टरेट का है. फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट, PhD अलग है, डॉक्टरेट मैनेजमेंट अलग है, फेलोशिप प्रोग्राम अलग है, एग्जीक्यूटिव MBA अलग है, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए MBA अलग है, PGP अलग है, EPGP अलग है, PGP LSM अलग है, PGP F अलग है. F हो गया पूरा यार, ये तो इतने कोर्स है. मैंने इसको ना पूरा कॉपी पेस्ट करके एक्सेल शीट में डाला एंड देयर आर एग्जैक्टली 100 प्रोग्राम, 100 100 प्रोग्राम. तो दो चीज आपको हमको देखना है, कौन से प्रोग्राम अप्लाई करने, वीडियो चेक इट आउट. नंबर वन भाई, इतना दिमाग मत लगाओ, आई गिव यू सिंपल जी स्ट्रेटजी फॉर दैट. चुपचाप टिक कॉल कर दो, चुपचाप टिक कॉल कर दो, क्योंकि 100 के 100 प्रोग्राम में एक एक में जाके मैं अगर चूज करने बैठूंगा क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, गलती से एक भी ढंग का प्रोग्राम मिस हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है. नंबर वन. नंबर टू, हमारे पास ना हर साल दो बच्चे होते हैं, दो तीन बच्चे हमेशा एग्जाम के बाद आते जाते हैं. कैट के फॉर्म में दे ओनली टिक मार्क आई एम अहमदाबाद एंड आई एम बैंगलोर कोर प्रोग्राम, बस आई एम अहमदाबाद बैंगलोर कैलकाटा कोर प्रोग्राम, बस मैं जाऊंगा तो ABC जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा.
और मुझे कब पता चलता है ये, पहले साल जब वो वापस आते हैं ज्वाइन करने की, सर एक भी कॉल नहीं आया 99.4 पे, तो भाई क्यों उंगली कर रहे हो, चुपचाप टिक मार देना, कॉल तो ला, नहीं जाना नहीं जाएंगे। आई एम इज गोइंग टू गिव, आई एम न्यू बेबी, आई एम न्यू, आई एम गोइंग टू गिव अ कॉल टू 23,000 स्टूडेंट, 23 24 25,000 बच्चों को कॉल देता है, कॉल तो ला, खुद को फील गुड तो ले कि भाई सब कॉल आए मुझे, ज्ञान नहीं मेरी मर्जी, तो टिकमा कॉल। टिकमा कॉल का बस प्रॉब्लम ये है, विच एनी वे यू हैव टू फेस, इज एक एक इंटरव्यू का आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। दिस इज द सबसे बड़ा क्योस जो मेरे को लगता है वहाँ पे, एक एक के जा जाके, एक एक कॉलेज में जा जाके आपको चूज करना पड़ेगा। दिस इज अ मेन प्रॉब्लम एरिया यार, अभी क्यों करवा रहे हो यार, पूरे 300,000 बच्चा जो तुम्हारा फॉर्म भरने वाला है, हर एक से क्यों भरवा रहे हो ये चीज, जिसको तुम कॉल दोगे उससे भरवा लो ना यार। 1200 बच्चों को अहमदाबाद का कॉल आने वाला है, 1200 बच्चों के नाम पे तुम 300,000 की उम्मीदें क्यों बढ़ा रहे हो, हर एक को अहमदाबाद क्यों टिक लगवा रहे हो। एनीवे उनकी अपनी मर्जी है, आइडली दे शुड हैव डन इट आफ्टर वंस यू गेट द कॉल, तब फिर से फॉर्म भरना, बाय द वे ये अभी भी भर रहे हो, वंस यू गेट द आई एम कॉल अगेन यू हैव टू अपलोड योर मार्कशीट, डेटाबेस सारा दोबारा करना पड़ेगा, तो एक ही बार कर लेते ना यार, अभी क्यों करवा रहे हो। एनीवे आई एम वालों की मर्जी, लगना चाहिए ना फॉर्म भरा है बंदे ने, एक दो घंटे डाले फॉर्म भरने में, फील आनी चाहिए, तभी उनको लगेगा ना कि हाँ देखा मैंने 100 जगह पे बच्चे से लिखवाया, टिक मरवाया, तुम्हारे भाई टिक, और टिक मारते जाओ क्या करें, अभी मैं भी मार रहा हूँ टिक, मैं भी फॉर्म भर रहा हूँ अभी, तो टिक मारते जा रहा हूँ, बैठा आराम से, आधा घंटा लगेगा उनको, तो टाइम तो है अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन। फिर कहते हैं इंडिया में गोल्ड मेडल क्यों लेके नहीं आते, भाई तुम ऐसे फालतू प्रोसेस में टाइम वेस्ट कराओगे बच्चे का तो गोल्ड मेडल कहाँ से आएगा। ठीक है, लगे हम चालू करने, तुम भी करो, तो माई एडवाइस टिक मार्क ऑल दिस थिंग, क्योंकि मिस नहीं होना चाहिए। अभी आई एम अमृतसर HRM प्रोग्राम, वॉट इफ आई एम नॉट एबल टू क्लियर द कट ऑफ, बट मे बी मैं HR की कट ऑफ लिख क्लियर कर जाऊँ, जाए ना जाए बात की बात है, कॉल तो लिख के आए यार। ये देखो आई एम अमृतसर का MSc डेटा साइंस प्रोग्राम जॉइंटली ऑफर्ड विद IIT रोपड़, ये सारी चीज़ें हमारी मिस ना हो जाए, नहीं जाऊंगा, मेरे को नहीं पसंद है, कॉल आएगा नहीं जाएंगे, रिजेक्ट करो ना यार, कल तो स्वैग तुम करेंगे, कल तो फ्लैक्स करेंगे ना कि बॉस मेरे को आम का कॉल आया था, और कहीं ना थी शादी के टाइम ही काम आएगा, मेरे को 12 AM का कॉल था, मैं गया नहीं। ठीक है, बी पूछेगी कौन सा, वो हम हनीमून पे आने के बाद बताएंगे, पहले नहीं बताने का बेटा, हनीमून से आने के बाद बताने का कौन सी IIM बोध गया में भी कोई XYZ फालतू प्रोग्राम जो है बोध गया ने शुरू किया है वहां का कॉल था, ये पैथन बताने का। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, कैट का सेंटर कहाँ चूज करना है, देयर आर 5 सिलेक्शन चॉइसेस, प्रेफर्ड सेंटर CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, और ऊपर लिखा है इन रेयर केस। अच्छा जी, इन रेयर केस अगर आपको सेंटर आपकी प्रेफर्ड सिटी में लोकेट नहीं होता तो बी एलोकेटेड टू नियर बाय सिटी। लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 20% ह्यूज नंबर यार, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस का सिटी नहीं मिला था। ठीक है, एग्जैक्ट में तो टॉप 5 भी नहीं मिले थे जो उन्होंने मांगे थे, बिकॉज एंड दिस इज नॉट रिलेटेड टू व्हेन यू फिल द फॉर्म, ट्रस्ट मी देयर इज नो लिंक बिटवीन When you fill the CAT form and which center you get and which slot you get, because काफी time ना बच्चों को लगता है कि अरे जल्दी जल्दी form भरो, जल्दी जल्दी के चक्कर में they end up putting in wrong data, they end up putting their gender wrong, फिर बाद में call करते हैं मैं gender change कर सकता हूँ, देख भाई अभी हो तो सकता है gender change, but उसके लिए operation में time लग जाएगा, तो दोबारा form भर दो, तो मतलब पैसे दोबारा भरने पड़ेंगे, but अपना best part क्या है कि पैसा last मांगे pay करना है CAT के form में, तो we have time। Anyway, coming to the city, कहाँ choose करना है, तो मेरे ख्याल से तो गोवा, अपन गोवा जाएंगे एग्जाम देने, एंड लद्दाख जाएंगे, जो जो केरला भी चलते, केरला नहीं मैं गया काफी टाइम से, केरला, राजस्थान, जोधपुर, ठीक है, जबकि उदयपुर इज माय फेवरेट सिटी। तो सर आप टाइम पास मत करो, सर बताओ सच्ची जी, बताओ काम बना है, तो भाई तेरे घर के पास जो सेंटर भरना, मुझे क्या पूछ रहा है। तो देयर आर 5 ऑप्शन गिवन टू यू, विच एवर द नियरेस्ट सेंटर अराउंड यू, आई लिव इन नई मुंबई, तो नई मुंबई नंबर 1, मुंबई नंबर 2, थाने नंबर 3, फिर मैंने गोवा लद्दाख डाल दिया टाइम पास के लिए। बट अगर मुंबई का और ऑप्शन भी है तो वो चूज करो ना भाई, वाई, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे पालघर बॉयसर भी है यहाँ पे ऑप्शन में, ठीक है, रायगढ़ का भी ऑप्शन है, तो मैं वो चूज करूंगा ना यार। तो अपना सिटी देखो, आपके सिटी के आजू बाजू जो भी सिटी आप जाते हैं, अगर फिर फ्रॉम पंजाब फॉर एग्जाम्पल अमृतसर, बठिंडा, जलंधर, लुधियाना, फगवाड़ा एंड पटियाला, देयर 5 ऑप्शन फॉर यू, तो 5 टिक मार दे। ठीक है, चंडीगढ़ मार दो टिक, क्योंकि बींग अमृतसर पंजाबी हमें चंडीगढ़ जाना होता है। सो एनीवे 5 सिटी आपके आजूबाजू टिक मारो, मुझे कॉल मत करना, किसी ने मुझे अगर मैसेज किया तो मैं उसको ही बोलूंगा गोवा, गोवा और लद्दाख, नंबर 3 केरला।
जम्मू कश्मीर का ऑप्शन भी है तो वो भी डाल सकते हो आप, आपकी मर्जी। पूरा वसई का भी ऑप्शन डाल दिया, बताओ रायगढ़ थाने वसई। तो बॉम्बे वालों के लिए ये मैंने पांच चूज कर दिया आपके लिए, तो ये पांचों आप चुपचाप इनमें से जो चूज करना है चूज कर सकते हो, ठीक है। नई मुंबई, मुंबई थाने, रायगढ़, वसई। वसई मतलब वो पालघर तक जाता है, पालघर का भी सेंटर है बाय द वे। सो सेंटर सिलेक्शन इज नॉट रिलेटेड टू योर व्हेन यू फिल द फॉर्म। तो आप ये मत सोच के चलो जल्दी जल्दी फॉर्म भरोगे तो सेंटर नियर बाय मिलेगा। 20% पब्लिक को दूर जाना ही पड़ेगा, आप लेके चलो अपनी सिटी छोड़ के दूर जाना ही पड़ेगा। लाइक मेरा दिमाग खराब वो नहीं होता कि नागपुर के बच्चे को सेंटर मिला है नासिक, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। नागपुर में फुल हो गया, आपको नासिक मिल गया। प्रॉब्लम मेरा तब आता है जब नासिक के बच्चे को नागपुर मिलता है, दैट इज स्टुपिडिटी यार। जैद तो बहुत करता है चीजें, तो जैद में तो लास्ट ये होता है पहले आपको सेंटर लोकेट किया। फॉर एग्जाम्पल पुणे के बच्चे को बोला बेटे तू नागपुर जा, ठीक है, तो बाद में उन्होंने फिर सेंटर चेंज की काफी बच्चों को, ये काम कर बेटा नागपुर तो दूर पड़ेगा तो मैं करो इंदौर चले आओ, सेंटर चेंज करके इंदौर आ गया। अरे ये तो और दूर फेंक दिया तुमने भाई सेंटर पास लाने की जगह, ऐसा होते रहता है। तो पांच सेंटर टिक मार के जो भी है सबमिट आप कर सकते हो, 7 नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट। देन फाइनली आके आपको पेमेंट करना है। वंस यू हैव टिक मार्क ऑल द थिंग्स, आपका पर्सनल डिटेल हो गया, एकेडमी रिकॉर्ड हो गया, वर्क एक्स हो गया, प्रोग्राम हो गया, सिटी सिलेक्ट हो गया, डिक्लेरेशन में जाके आपको टिक मारना है और फीस पे करना है, ₹2500 फीस पे करना। अगर आपका पेमेंट फेल होता है तो प्लीज वेट फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे आप वेट कीजिए, आपका इधर पेमेंट सक्सेसफुल आ जाएगा या वी कैन फिल द फॉर्म अगेन। प्लीज डोंट वेट फॉर देम कि आपके वो 2500 भर दिया है मैं उनकी वेट करूंगा, वो ईमेल खेलते खेलते बहुत टाइम लग जाएगा। तो चुपचाप नया फॉर्म भर देना, 2500 आपको बाद में रिफंड आ जाएगा, ठीक है, वो आएगा आगे रिफंड। यू कैन टॉक टू द बैंक आल्सो फॉर द रिफंड पॉलिसी, बट माय एडवाइस इज अगर आपका पेमेंट फेल होता है दोबारा फॉर्म भरिए, तो अभी 48 आप वेट कर लो, 48 के बाद दोबारा फॉर्म भरना चाहिए। एंड वंस यू डन दिस थिंग आपको एक ईमेल आ जाएगा, योर रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड, ठीक है, जो मेरा मेल आ गया। तो फाइनली वी आर रेडी टू फॉर द कैट, अभी हम पढ़ाई करना चालू करेंगे, अभी हमें मॉक्स पे मॉक्स पढ़ाई पे पढ़ाई करके एक अच्छा स्कोर लाके आई एम कॉल लेके आनी है। ऑल द बेस्ट।